सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के थाना सागर क्षेत्र से आए। तो उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के सागर क्षेत्र में स्थित सनफ्लावर स्कूल के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि इलाके में अवैध रूप से पटाखों का कारोबार चल रहा था। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर आलाधिकारी पहुंच गए हैं, वहां राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले साल दिवाली के मौके पर भी इसी इलाके में विस्फोट हुआ था। इलाके में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जाते हैं। आगरा से हमारे सहयोगी दुष्यंत उपाध्याय की खास रिपोर्ट। थाना क्षेत्र शाहगंज में एक न्यू आजमपाड़ा करके एक अन्य जगह अपने एक चमन मंसूरी नाम के व्यक्ति के घर पे, जहाँ पे वो फायर क्रैकर्स का भी काम करता था, उसके घर पर आग लग गई। बताया प्रथम स्टेज में जा रहा है कि कुछ सिलेंडर फटने से आग फायर क्रैकर्स में लगी और बाद में काफ़ी विशाल रूप से फायर कर दिया। जो भी इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल भेजा गया है, कुल मिला के 6 लोग वहाँ पे। हालत कैसी बताई जा रही है सर? अभी इन्फॉर्मेशन देंगे हम लोग, उस वहाँ के वहाँ पे पुलिस के भी हमारे लगे हुए हैं। फायर अभी आग जो है वो बुझ गई है। फायर के जो व्हीकल्स है वो यहाँ पे मौजूद है, एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद है और पुलिस फोर्स। फिलहाल सभी लोग घायल लोग थे, अंदर लोग थे, सबको रेस्क्यू कर लिया गया, रेस्क्यू करके उनको अस्पताल भेजा गया है। 2 लोगों की अवैध रूप से सर काम कर रहे थे क्या घर में, इसका अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अभी बहुत अर्ली है, इनके पास परमिट था नहीं था, लाइसेंसेस क्या थे, ये सारी चीज़ें जानने के बाद किसी घर पर सर बनना था ये एक बार बता दीजिए। चमन मंसूरी।